अरे ले आ नीचे। अरे यार नहीं बताता तो छोड़ो आप। क्या आपको भी चढ़ना था क्या? बल तो चढ़ना था। अच्छा हमें मतलब नहीं हो रहा, हमारा छोड़ा नहीं किया जाएगा तो हम क्या करेंगे? मरेंगे और क्या करेंगे? ऐसा थाना साल सरपंच है जिसके कहा। अब व्यापारी भी पानी की टंकी पे चढ़ के शोले फिल्म के बीरू बनबे पे मजबूर हो गए हैं। काय के पन्ना जिला के शाह नगर में व्यापारी और पंचायती प्रशासन के बीच दुकान नीलामी को विवाद बढ़ रहा है। व्यापारी अपनी रोजी रोटी बचाने के लाने भरपूर प्रयास कर रहे हैं। पूरा मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन यही बीच ग्राम पंचायत दुकानों की नीलामी करने की तैयारी में थी। ईक से राहत की मांग को लेकर शाह नगर व्यापारी संघ SDM कार्यालय पहुंचे, लेकिन SDM साहब के द्वारा उनके पक्ष में संतोषजनक आश्वासन न मिलने पे नगर के कछु व्यापारी शाह नगर तहसील प्रांगण में बनी टंकी पे चढ़ गए। अरे ले आ नीचे। अरे यार नहीं बताता तो छोड़ो आप। बिल्कुल नहीं ये धक्का दे रहा का? नहीं 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 हम ना मारेंगे। जा यार लेके आ। कम मर जा मेरे को तो। आ जा मेरे को। नहीं कम्मू बहुत अच्छी लड़के साथ वीडियो बनाना है, ठीक है ना? हम इधर से लेंगे। कहाँ का ऊपर चल रहा हूँ करा था जी। ए गुड्डा गुड्डा गम्मू गबला हम तो चढ़ नहीं पाएगी सिद्धी। क्या आपको भी चढ़ना था क्या? बल तो चढ़ना था। अच्छा हमें मतलब नहीं हो रहा, हमारा छोड़ा नहीं किया जाएगा तो हम क्या करेंगे? मरेंगे और क्या करेंगे? ऐसा थाना साल सरपंच है जिसके कारण हम आप अनबंद करने को तैयार हैं क्या? हमारा स्टाम्प जमा है वहीं। स्टाम्प खाली स्टाम्प जमा प्लस 5 माह जो 1500-3500 रुपए किराया है उसी 5 माह तक ऑनलाइन किराया भी उसमें जमा था दिया। अच्छा हम सब कुछ में 29 सालों में राजी हैं। ये सोची समझी साजिश है, इनका किराया जमा न करना, इनको ऑनलाइन जमा करना पड़ा किराया, बाकी लोगों का एक एक करके अनुबंध कराया गया। ये लोग गए, इनको मना कर दिया गया, आप परेशान मत हो हम आपका अनुबंध कर लेंगे, आपका अनुबंध कर लेंगे। इनका अनुबंध आज तक नहीं हुआ, एक चीज। दूसरी चीज ये, किसी भी संस्था का जब अनुबंध समाप्त होता है तो समाप्त होने के 15 दिन पहले कार्यालय से नोटिस जारी होता है कि आपका अनुबंध दिनांक फलाने को समाप्त हो रहा है। कार्यालय में उपस्थित होकर के आप अपना अनुबंध का नवीनीकरण कराएं, किंतु ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। और ये सब सारी सोची समझी, कल पूरे ग्राम को बैठाया गया कि ग्रामवासी जो कहेंगे वो होगा। इसके बाद हुआ क्या? ग्रामवासी इकट्ठे हुए रात में, सारे लोग हुए, सरपंच आए, सचिव नहीं आया जानबूझ करके, सचिव महोदय वहाँ उपस्थित नहीं हुए, बाकी लोग जब एक एक करके जैन समुदाय के लोगों के द्वारा दो चार लोगों के द्वारा विवाद उत्पन्न करके एक विवाद की स्थिति सोची समझी साजिश के तहत निर्मित की गई, और वो लोग वहाँ से उठ के चले गए, सरपंच महोदय भी उठ के चले गए, बाकी गाँव के 400 लोग वहाँ उपस्थित बैठे रहे। तो क्यों बैठे रहे? क्यों नहीं सुना गया? ये साजिश के तहत सब कुछ हो रहा है, और इसमें सरपंच और सचिव की मिली भगत है। हमारा शासन प्रशासन से ये निवेदन है कि हमको न्याय दिया जाए और सचिव सरपंच के विरुद्ध इस संबंध में कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। शुभ नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम है VP गुप्ता। यहाँ आप क्या है? वकील हैं क्या? एडवोकेट है क्या? ना मैं एडवोकेट हूँ ना वकील हूँ, मैं इस बच्ची का पापा हूँ। अच्छा अच्छा, अजी जो है मेरे दामाद हैं। अच्छा, आपके ससुर कहला गए। जो हाई वोल्टेज ड्रामा भाव कलेक्टर के आवे पे ही नेचे उतरवे की बात कहने लगे। सूचना पे मौके पे पुलिस पहुंच गई। नगर वासियों द्वारा व्यापारी इनको नेचे उतारे गए। चीख पुकार और बिलाप के बीच भीषण गर्मी से कछु व्यापारियों की तबीयत बिगड़ गई है। और फिर SDM श्रुति अग्रवाल ने मामले पर जनपद CEO और सरपंच से चर्चा करी। फिलहाल नीलामी की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। मेरे पास कुछ लोग नीलामी को की प्रक्रिया में आपत्ति को लेकर के आए थे, क्योंकि
की आपत्ति आई थी मेरे पास, तो मैंने सीओ जनपद को अवगत कराया और चूँकि पंचायत स्तर से ये पूरा प्रक्रिया चल रही थी तो सरपंच साहब से बात की तो और उनको इस आपत्ति से पूरा अवगत कराया है और जो सिचुएशन आज बनी है उससे पूरा अवगत कराया है। तो उनके द्वारा ये सरपंच और पंचायत की बॉडी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है, चूँकि ये आपत्तियाँ आई हैं इसलिए वो वर्तमान में जो नीलामी की प्रक्रिया है उसको स्थगित कर रहे हैं और ऐसे सरपंच साहब ने मुझे अवगत कराया। 19 तारीख तक चालान जमा करने की अंतिम तिथि थी आज, तो जो पूरी नीलामी प्रक्रिया में अभी हाल रोक लग गई कोर्ट के आदेश तक, कैसा क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि सरपंच साहब को मैंने इस आपत्ति के बारे में बताया, चूँकि प्रक्रिया पूरी वहीं से चल रही थी, चूँकि पूरी प्रक्रिया पंचायत की थी इसलिए सरपंच साहब ने ये निर्णय लेकर के मुझे अवगत कराया कि वर्तमान में उन्होंने जो कल से प्रक्रिया होनी है बोली की उस पर स्थगन लगाया, ऐसा सरपंच साहब ने अवगत कराया। कुछ व्यापारी लोग पानी की टंकी में चढ़ करके सुसाइड करने का भी प्रयास किया गया, उसके लिए पूरी प्रॉपर हमारी व्यवस्था थी और इसमें कुछ नुकसान पहुंचा नहीं है, कुछ ऐसा हुआ नहीं है, अभी सब ठीक है और सबको ये बताया गया, सब संतुष्ट भी है। सरपंच साहब के ये निर्णय को सबको बताया गया, अवगत कराया गया, सब संतुष्ट वर्तमान में। अच्छा मैडम, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक भी डॉक्टर नहीं है? जो गंभीर लोग पहुँचे थे, इन्हीं पीड़ित व्यापारी लोग, तो उनको सीधे बिना प्राथमिक उपचार के कटनी रेफर कर दिया गया है, डॉक्टर के अभाव के कारण इलाज नहीं मिल पा रहा है, उस संबंध में स्थानीय प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इस बारे में मैं जांच कर लेती हूँ कि डॉक्टर्स को मिले आज। अभी एक महीने से समय हो गया आपको? आज डॉक्टर नहीं थे, आपने ऐसा मुझे बताया, मैं जाँच कर लेती। लंबे समय से नहीं है मैडम, यहाँ पर 5 महीने से डॉक्टर भी नहीं है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। मैं बात कर लेती हूँ अपने उच्च अधिकारियों से ही इस बारे में, मार्गदर्शन चाहिए। व्यापारियों को कहो है कि जब उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है तो फिर पंचायत ऐसो काय कर रही और उनकी रोजी रोटी को संकट है। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।